मजेदार होता है। रेस्टोरेंट और ढाबे में तो ये बहुत ही पॉपुलर होता है और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलो आज हम भी बनाते हैं स्पेशल मटन कढ़ाई। पर उससे पहले एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि हर रोज शाम 5 बजे मेरी नई नई रेसिपी अपलोड होती है। सो बी द फर्स्ट टू वॉच, लाइक एंड कमेंट। सबसे पहले हम इसका ड्राई मसाला तैयार करेंगे, जिसे आप चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में 2 टीस्पून अखा धनिया लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और ये 6 सूखी लाल मिर्ची, जिसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसे 6 लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आप सादी वाली मिर्ची ले रहे हैं तो उसे कम लें, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्चियों को कम ज़्यादा कर लें। मैंने सूखे मसालों को अच्छे से भून लिया है, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा करके पीस लूंगी। मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसे एयरटाइट जार में रख के स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपका दिल चाहे आप इससे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, पनीर कढ़ाई, वेजिटेबल कढ़ाई बना सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें हम 2 मीडियम साइज की स्लाइस की प्याज को ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। ऑनियन सॉफ्ट हो गई है तो अब मैं इसमें मटन डालूंगी। ये मैंने 1/2 kg मटन लिया है। इसमें डालूंगी 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए टमाटे डाल देंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए टमाटे डाल देंगे। साथ ही डालेंगे नमक ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफर करूंगी और उसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी और गोश्त को गलने तक इसे पका लूंगी। मटन पक गया है तो मैं इसे फिर से कढ़ाई में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब हम इसमें 1/2 कप फेटा हुआ दही डाल देंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप दही किसी में ऐड करें तो उसे अच्छे से फेंट कर ऐड करें, वरना इसके लम्स बन जाते हैं और वो फिर ग्रेवी में अच्छे नहीं लगते। अब हम इसमें डालेंगे सूखा मसाला, जिसमें मैंने डाला था सौंफ, धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 कप पानी डाल दूंगी। दही जिसमें मैंने फेटा था उसमें थोड़ा सा दही रह गया था, तो उसी में मैंने पानी डाला था और साइड से निकाल लिया था। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। सारी चीजों को हम चला लेंगे।
एक से दो मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दो मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है, अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट कर दूंगी। रेडी है हमारी स्पेशल मटन कढ़ाई, बहुत ही लाजवाब डिश है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अगर आप अपने चॉइस की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।